हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं और टिकट बुकिंग के समय अगर आपको टिकट का SMS अगर आपको नहीं प्राप्त हुआ है तो आप उस SMS को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या अगर आप वेटिंग टिकट बुक किए हैं और आपका टिकट कन्फर्म हो चुका है, ट्रेन का चार्ट लग चुका है, उसके बाद भी अगर आपको ट्रेन का कोई सीट का मैसेज नहीं मिला तो आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या अगर आपका मोबाइल में SMS आ चुका था, चार्ट प्रिपेयर का मैसेज आ चुका था, या टिकट बनाने वक्त आपको SMS आ चुका था, आपका मोबाइल में रिसीव हो चुका है, उसके बाद भी अगर आप बाई चांस गलती से आप अगर टिकट का SMS डिलीट कर देते हैं, आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो मेरा इस वीडियो में आप खुद से देख के मतलब आप कर पाइएगा कि कैसे आप अपना ये सब SMS प्राप्त करिएगा टिकट का। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपको IRCTC का वेबसाइट ओपन कर लेना है। मोबाइल ऐप में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले IRCTC का वेबसाइट आपको ओपन कर लेना है। तो मैं अपना IRCTC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं उसको ऑन कर लूँगा, मतलब लॉगिन कर लिया हूँ। लॉगिन करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं एकदम स्टार्टिंग में ही आपको माई अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। माई अकाउंट का ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही माई प्रोफाइल के नीचे माई ट्रांजेक्शन दिखेगा, और माई ट्रांजेक्शन के अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको लास्ट ट्रांजेक्शन डिटेल्स और बुक टिकट हिस्ट्री आपको शो होगा, ठीक है। और उसके बाद फेल ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, तो आपको बुक टिकट हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करिएगा तो आप जो भी टिकट बुकिंग किए रहेंगे वो आप उसका सारा डिटेल्स आपको मतलब शो होगा, ठीक है, अपकमिंग जर्नी आपको शो होगा। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ बुक टिकट हिस्ट्री पे, और क्लिक करते ही आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो टिकट बुकिंग हुआ ओपन हो रहा है। देखिए ओपन हो चुका है तो हमारा एक ट्रेन में टिकट बुकिंग हुआ है, ठीक है। ये देखिए आप जो शो हो रहा है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ DDN हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, ठीक है। तो इसका SMS मेरे को नहीं मिला है, ये मेरा टिकट वेटिंग लिस्ट बुक हुआ था जो कि इसका चार्ट प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन इसका SMS मेरे को अभी तक मिला नहीं है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो SMS दिखा कर ही ट्रेन में ट्रेवल्स करते हैं, या किसी का SMS डिलीट हो चुका है तो इस तरह से वो अपना SMS रिकवर कर सकते हैं सीट कन्फर्म का, ठीक है। तो हमारा टिकट देख लीजिए RLWL42 है और इसका चार्ट प्रिपेयर हो चुका है। तो सिंपल सा बात है, ये एक तो होता है कि आप मोबाइल में या कोई भी ऐप से पेना नंबर सर्च करके आप देख सकते हैं कि मेरा सीट नंबर कितना है। दूसरा नंबर होता है कि IRCTC रेलवे की तरफ से जो SMS आता है वो मोस्ट होता है, ठीक है, उसको मतलब ज़्यादा वैलिड होता है, उसको TT ज़्यादा मानते हैं कि हाँ वो आपका रेलवे की तरफ से SMS आया हुआ है, ठीक है। तो उसको आप कैसे प्राप्त करिएगा, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नीचे एकदम स्क्रॉल करके मैं आया हूँ तो वहाँ पे आपको ऑप्शन विकल्प ट्रेन कैंसिल टिकट गेट पेना स्टेटस NOSP बुकिंग और गेट SMS, तो आपको गेट SMS पे क्लिक कर देना है। गेट SMS पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करते ही आपको जैसे कि मैं इस पर गेट SMS पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो गेट SMS पे क्लिक करके आपको लाइव दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वी हैव रिसीव योर गेट SMS रिक्वेस्ट फॉर PNR नंबर इतना और योर विल बी शॉर्टली रिसीव बुकिंग SMS ऑन योर मोबाइल नंबर। तो हमारे मोबाइल नंबर पे जो हमारा टिकट का कन्फर्म टिकट का जो मैसेज है हमारे मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, तो अभी तक आया नहीं है, आते ही आपको मैं शो करता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे मोबाइल में आ चुका है मैसेज, पटना टू हावड़ा SL क्लास SL दिखा रहा है S6 में 24 नंबर। जैसे कि मेरा टिकट वेटिंग लिस्ट था, मेरा टिकट कन्फर्म हो चुका तो वो रेलवे की तरफ से अगर नहीं आया था तो मैं इस प्रोसेस से मेरे मोबाइल में आ चुका है, ठीक है। इसका PNR स्टेटस आपको भी चेक करके दिखा देता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि S6 में 24 नंबर साइड अपर, आप देख लिए कि S6 में 24 साइड अपर, मतलब इसका PNR स्टेटस भी सही दिखा रहा है और SMS जो आया वो भी सही दिखा रहा है। देखिए चार्ट प्रिपेयर भी शो हो रहा है। सेम इसी तरह से आप भी अगर अपना टिकट का SMS डिलीट कर दिए हैं या आपको अभी तक IRCTC की तरफ से रेलवे की तरफ से आपका कन्फर्म सीट कोई SMS प्राप्त नहीं हुआ है तो आप इस तरह से आप अपना SMS प्राप्त कर सकते हैं खुद से अपने मोबाइल फोन में IRCTC का वेबसाइट लॉगिन करके। सो आई होप कि आप सभी को हमारा जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।